मामला धार जिले की कुक्षी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम लोकसरी का है, जहां हाल ही में चल रहे पुलिया निर्माण कार्य को लेकर अब जमकर ग्रामीणों और जनपद सदस्य के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लोनसरी पंचायत में 14 लाख की लागत से पुलिया निर्माण और वाल निर्माण का कार्य चल रहा है। तालाब के किनारे स्कूल भवन के पास है, जहां निर्माण कार्य अभी पूर्ण भी नहीं हुआ और तालाब में पानी भर जाने से अभी मात्र पुलिया निर्माण के साथ दोनों साइड वाल का कार्य भी किया जाना है। मगर ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि कुछ दिनों पहले इस कुक्षी जनपद क्षेत्र की जनपद सदस्य निर्माण कार्य को देखने पहुंची थी, जिसकी लागत 14 लाख थी। तो सरपंच से पहले खर्चा पानी देने की बात कही पर सरपंच पति ने मना कर दिया, तो सरपंच पति को फोन लगाकर 5% राशि की मांग की थी, जिसको देने से मना किया। तो कुछ फर्जी पत्रकारों को बुलाकर निर्माण को खराब बताया, जिसके चलते आज ग्राम पंचायत लोनसरी के कई ग्रामीण और किसान महिलाएं तो निर्माण कार्य के मौका स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने इस कार्य की प्रशंसा की और आगे भी दो पुलिया निर्माण के लिए मांग की। इस प्रकार से आगे भी दो स्थानों पर पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि ग्रामीणों, किसानों और पशुओं को भी इस मार्ग पर कोई परेशानी ना हो। अब ग्रामीणों का कहना है कि जनपद सदस्य की राशि की मांग को पूरा नहीं किया, जिसके चलते वो निर्माण को गलत बताकर पैसे की मांग कर रही है, जबकि इस निर्माण कार्य को 80 से ज्यादा ग्रामीण किसानों की निगरानी में कराया गया और भूतपूर्व सरपंच महोदय भी हाल सरपंच के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब मीडिया मौके पर हकीकत जानने पहुंची तो ग्रामीणों ने भी जनपद सदस्य पर पैसे की मांग को लेकर आरोप लगाया था, जिसमें कई महिला भी शामिल थी। उनका कहना है कि कई दिनों से खर्चा पानी की मांग कर रही है सदस्य महोदय। जब जनपद सदस्य से इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि घटिया निर्माण हो रहा है, मैंने कोई पैसे या राशि की मांग नहीं की। ग्रामीण और सरपंच पति झूठा आरोप लगा रहे हैं। कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। क्या कुछ निरीक्षण किया था यहाँ पर अधिकारी आए थे? अधिकारी पानी की टंकी के लोकार्पण में आए थे, उस समय मैंने यहाँ पे आने जाने के रास्ते की दिक्कत थी। कलेक्टर महोदय को मेरे द्वारा लेटर दिया गया था कि सर यहाँ पे पुलिया निर्माण होता है तो कई किसानों को फायदा होगा। कलेक्टर महोदय, पटवारी, तहसीलदार सभी आए थे यहाँ पे निरीक्षण किया, उनके बाद स्वीकृति दी गई पुलिया निर्माण की। तो अभी जनपद सदस्य को क्यों दिक्कत है? जनपद सदस्य मेरे से 5% की राशि की मांग कर रहे हैं और उसके द्वारा यहाँ के अन्य मीडिया प्रभारी को लाकर ये गलत निर्माण बता रहे हैं। ये गांव वाले मौजूद है, क्यों गलत निर्माण किया है? नहीं, सही निर्माण है। पैसे की मांग संतुष्ट है, आपको मालूम है क्या? नहीं, ये नहीं है, लेकिन सब किसान जितने भी है इस क्षेत्र में किसानों को सभी किसान संतुष्ट है और सर्वानुमति से ये लिया गया है ना। हमारी तो आना जाना, हमको परेशानी होती है हमको। और ऐसा एक और आगे और पुलिया बन जाए तो और खेत वालों को फायदा हो जाएगा, रोज आना जाना रहता। दादा, यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक पत्रकार द्वारा खबर चलाई गई थी और आपत्ति ली गई थी कि ये जो पुलिया बन रहा है गलत बन रहा है, और जनपद सदस्य ने भी उसके बारे में सही ठहराया था, और कुछ खेत पड़ोसी था उन्होंने भी बोला था कि मेरा खेत डूब रहा है। क्या है सही मामला यहाँ का पूरा? नहीं, ये पूरा पूर्णतः पत्रकार महोदय ने थोड़ा गलत किया है। यहाँ करीब करीब 70-80 किसानों का फायदा हुआ है और यहाँ पूर्व रोड मैंने ही निकाला है मेरे हाथ से और सर्वानुमति से निकाला है। आज भी हम दो दो तीन तीन फीट निजी भूमि देकर वो काकड़ तक निकालने का प्रयास में जारी है और ये अच्छा काम हो रहा है, कोई के लिए गलत नहीं है और ये पूर्णतः सरकारी भूमि में ही है। जनपद सदस्य आरोप लगा रही है कि स्ट्रक्चर का काम गलत हुआ है, पुलिया का निर्माण नहीं। अभी एस्टिमेट के आधार पर थोड़ा बॉर्डर ये वो बनेगी, अभी बाकी है ये, और मुरम वगैरह सब डलेंगे, वो तो अधिकारी और इंजीनियर साहब जो निर्णय लेंगे वही होगा। एस्टिमेट में जो होता है वही होता है। खेत पड़ोसी का क्या कहना है? खेत पड़ोसी का है ही नहीं है, जो गलत भाव दिया हमारे विरुद्ध। आप जिस पुलिया पर खड़े हो, कल परसों एक खबर चली थी कि ये शासकीय जमीन पर बना है और कुछ विरोध हो रहा था, तो ये बात क्या सही है? शासकीय जमीन पे नहीं है सर, प्राइवेट जमीन पे नहीं है सर, शासकीय जमीन है और जाना आना का आपत पड़ता है। पुलिया बनना से हमको बहुत फायदा है। हम एक बोले एक काकड़ पर फिर आता था, यहाँ आसो फुल्यू बन गयो तो हमको अच्छो फायदो है गयो। अभी यू फुल्यू नहीं बनतो तो हम कहीं पानी में सरकता काम आन जाता, हमारी वाट नहीं होती। पुलिया को कहीं खराब काम हुई नहीं है, यो अच्छो काम है, बढ़िया। कई नाम है तुम्हारो? सुमन। मैडम, जो लोंगसरी के किसान द्वारा और सरपंच पति द्वारा आपके ऊपर 5% की राशि मांगने पर आरोप लगा रहे, तो आपका क्या कहना? हमारा क्या कहना, हमने तो कभी बोला नहीं 5% के लिए,
ये तो फालतू का इल्जाम लगा रहा फोन हमारे ऊपर, है ना, और इसकी पत्नी है वन नहीं है सरपंच। तो किसान द्वारा भी लगा रहे हैं कि जो फूल के ऊपर अच्छा निर्माण हुआ मगर के ऊपर भी लगा रहे और फूल अच्छा सा नहीं बना, इसीलिए लगा रहे। मैडम इस आरोप को लेकर आप क्या कहेंगे? ये जांच कराना चाहिए, बुलाओ करके तो नहीं बुला रहे, और ये ठेकेदार चला रहे, पंचायत द्वारा नहीं चला रहे, गणेश भाई चला रहे, तो हमारा कहना है कि अच्छे से बनाओ, व्यवस्थित बनाओ, तो नहीं बना रहे। तो पवन बोल रहा है कि हमारी मर्जी से बनाएंगे, आप क्या बोलोगे मैडम? तो मैं बोल रही कि ठीक है, ऐसा मत करो, जो भी है काम सही करवाओ, सही करवाएंगे तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे उनको, बस यही। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।